अजब दस्तूर बा तहरा दरबार के, अजब दस्तूर बा तहरा दरबार के, तोहमत लागत बा तहरा पर बेकार के, तोहमत लागत बा तोहरा पर बेकार के, चौकीदारी वफादारी, चौकीदारी वफादारी सेवा लिखात बा, चौकीदारी वफादारी सेवा लिखात बा, रउआ बताई सेवा से मन आघात बा। बोला आदमी हेरा सा अभिनंदन बोल के अपना कार्यक्रम जनक नाम कुटा ठोक देखिन। इतवार बीत गई बड़ा जबरदस्त रहे, एकरा पहले शनिचरों बड़ा जबरदस्त रहे, आज सोमवार हो और सोमवार के दिन हमनी के लेट से आई बन जा, एकरा पीछे कुछ कारण रहा। कारण ये रहा कि मंथन के दौर से गुजरला के बाद आखिर बिहार और बिहार के राजनीति कहाँ जा रहा बा, कौन दिशा में जा रहा बा, ये बात पर पूरी तरह से मंथन के बाद जो सामने निकल के आई वो अब साफ तौर पे बता रहा बा कि खेला बहुत भय, लीला बहुत भय, बाकी तो अब बुझ जाए कि किला कबरी, अभी किला के कबारी कैसे कबरी, हालांकि उखाड़ कबार और बाकी सब बात के लेकर के हमने के लगातार चर्चा तो लोग से करते बन गया। इस चर्चा के बीच में जो बात सामने निकल के आ रहा बात उकरा में असल खेला जो बात वो लोग जो पेच फंसा दिल बनी और ऐसा अजुरावले बनी पेच सब कि एक सजुरावते नहीं के सजुरात हमनियों के सजुराव के बड़ा प्रयास कहीं है जा, लेकिन आम जनता और बिहार के जनता खास करके जो उनकी लोकतंत्र के जननी कहा जाला, ये बिहार के सबसे पहला लोकतंत्र के स्थापना जो जगह पर भैया के वो अगर कोनो पेच राजनीतिक रूप से फंसा दी, कोनो अजुरहट लगा दी, तो अजुरहट के और बूझ के फरियावे खातिर बड़का बड़का सरपंच या पंच के भी पसेना छूट जाता। बिल्कुल वही तरीका से रुआ देखले होगा कि आंदोलन चाहे जहां से भी भैया के और हर आंदोलन कहीं ना कहीं घूम फिर करके बिहार में आई और बिहार से वो आंदोलन के प्रवास भई और तब वो आंदोलन के रुआ देखले होगा कि स्थापित हो गई। एक खाली फिर से रुआ लोग के बहुत पहले से ही बात हमने के कहते नहीं जा और भारत लाइव तो खूंटा गाड़ के बात कहले रहे रुआ लोग से कि जौन 2020 के चुनाव बा पाँच साल टिकल बड़ा मुश्किल बा, कारण कि जनता के भीतर में जौन अंदरे अंदरे चल रहा बा असमंजस के स्थिति ओह कला के लेकर के कहीं ना कहीं अब की हाली खेला गड़बड़ा जाए। हालांकि घींच घाच के टान टून के कसहूँ सरकार तो बन गई बा, अब सरकार बनला के साथ साथ रुआ को बात समझ ली कि 2015 में जो बात भई रहे वो ठीक 2020 में रुआ ओकरों के फिर से जोड़ घटाव करके देख ली। 2015 में कम सीट वाला के मुख्यमंत्री पद मिला रहे, बेसी सीट वाला चुपचाप उनका के मुख्यमंत्री बना दे रहे, हालांकि चुपचाप भइल ना रहे, एगो बात चर्चा जरूर छिड़ा रहे परिवार में कि जब सीट हमनी के बेसी आई बा तो मुख्यमंत्री पद हमनी के काहे ना ली जा, लेकिन वादा के पक्का अपना तरफ से जौन बिहार के जनता से आग्रह अनुनय विनय भई रहे ओकरा हिसाब से मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार जी के महागठबंधन सरकार बना दिलस, लेकिन दो साल के अंदर में सरकार गिर गई। कार्य वो बुझाता कि 2020 के जो सरकार बनल बा इस सरकार पाँच साल कंटिन्यू करी रुआ बुझाता, अगर बुझाता तो रुआ लिखी, कारण कि आज सब लिखे के बारे में लोग के पहले रुआ लोग से कह ले बनी कि चौकीदार लिखाता, सेवक लिखाता और बहुत कुछ लिखाता, झोला उठा के चल देवे के भी बात होता, लेकिन ये सब बात में रुआ एक बात के रुआ बताई कितना वादा भई रहे रुआ से, वो वादा में से कितना पूरा भई। हम ये सिर्फ छः साल के बात नहीं करत और ना हम नीतीश कुमार जी 2015 में और 2005 से का कैले ओकरा पर बात करते नहीं, हम पूरा परिप्रेक्ष्य में बात करते नहीं, अलग अलग समय में अलग अलग लोग के सरकार, अलग अलग पार्टी के सरकार रहल, गठबंधन के सरकार रहल, आज के वर्तमान परिस्थिति में रुआ का समझते नहीं, चूँकि आधुनिक राजनीति के एक नया जो दौर बा नया एरा शुरू हो गई बा, 21वीं सदी के पहला जो साल चल रहा बा 2020 से लेकर 2021 तक जौन इस साल के शुरुआत भइल बा 2030 तक का इतिहास लिखी, कारण कि कहल जाला हमनी के भोजपुरी में कहल जाला कि दशा दस साल पर बदल जाला,
तीन कोस पर कहा जाला कि पानी बदल जाला, बानी बदल जाला। ये सब बात के रुआ अगर संगोर के एक जगह लिख आवत तो बात कहीं ना कहीं सरकार के मंशा पर खड़ा हो जाता। किसान आंदोलन के लेकर के कहा जा रहा बा कि कोरोना काल में और सब काम सरकार के नहीं रुकत, जहां बैठक करे के जहां मीटिंग करे के बाद चुनाव में रुआ देखे कि कोरोना तरीका से मार अलगंज भीड़ हो, सरकार के प्रोटोकॉल सारा फेल हो गई। आज देख ली कोनो पार्टी के बैठक होके चल रहा बा मीटिंग बैठक के दौर, फोटो रोल भी आउट हुई हमनियों के देते नहीं जा, ओकरा में सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन होता है। लेकिन कोरोना काल में चुनाव हुई ओकरा में सरकार के कोनो समस्या ना हुई, लेकिन सदन के कार्यवाही चूंकि सिर्फ भगवान के अवतार वो 547 जो सांसद चुन करके गई बड़े, राज्यसभा में एमपी चुन के गई बड़े वही लोग पवा, या फिर विधानसभा में चुन गई बड़े वही लोग पवा, ज्यादा समस्या वही लोग हो जी। ये चलते सदन के कार्यवाही आगे बढ़ा दिया या फिर बंद कर दिया ना हुई या फिर छोटा कर दिया, एक पर चर्चा चल रहा है। लेकिन ये सबसे पहले एक बात बिहार खातिर अगर बिहार के परिप्रेक्ष में देखी तो बिहार में भी कहा जा रहा था कि सदन जो बात छोटा हुई, लेकिन एकरों के बाद खत्म कर दी हुआ एकरा पर, तो जो करे के बात सदन के लोग करी और फिर बजट सत्र कैसे हुई ये सब पर अलग से रुआ से बातचीत हो जाए। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में पिछला तीन दिन में जो बिहार के राजनीति बदल है, अलग अलग राजनीतिक दल के अपन मंथन शिविर के बाद सबसे पहला झटका जदयू दल सा, और जदयू के झटका पर कहीं ना कहीं लौकु समीकरण के जो हम लगातार बात करते नहीं जा ओकरा पर आकर के बात टिक गई। अब एकरा के आगे बढ़ाई हुआ भूपेंद्र यादव जौन की राजगीर में मंथन शिविर चलता है, प्रशिक्षण शिविर चलता है, वो शिविर के बाद साफ तौर पे निकल करके कहले हैं कि आरजेडी के लोग संपर्क में बा और ये बात लगातार कहा जाता है। इस संपर्क तब भइल है और ये बात तब निकल के आई है जब यह बात से कांग्रेस इनकार कर दिला था कि उनकर 11 गो विधायक टूट के कहीं दूसरा जगह जा रहे बड़े। एकरा पर पूरी तरह से विराम लग गई, हर वाले से बात बदल नहीं जा। लेकिन अब जब भूपेंद्र यादव आरजेडी में टूट के बात कर लिया तो एकरा के हास्यास्पद बता रहा बा कांग्रेस और आरजेडी दोनों, और उनका बौखलाहट और बेचैनी बता रहा बा कि जो नीतीश कुमार के साथ उनका के टूटे के साजिश भई ओकरे अनुसार देखल जा रहा बा। और इस बीच में मुकेश सहनी के वो बयान भी आ गया कि अमित शाह बोलने वाले 2 के जगह पर 20 टूट दिए। खैर ये सब बयान के रुआ अपना जगह पर रख ली, लेकिन तेजस्वी यादव के बयान और साफ तौर पर कहना कि मध्यावधि चुनाव के तरफ बिहार जा रहा बा और हमनी के चुनाव के तैयारी करते जा, और तैयारी के माने खातिर सब दल तैयार हो गई है। कहीं ना कहीं बिना कहले नीतीश कुमार जी के भी तैयारी शुरू हो गई बा, लौकु समीकरण के साधना और अचानक से परिवर्तन इतना बड़ा करना पार्टी के संगठन में यह बात के इशारा करता। दूसरी तरफ एक बात तो तय मान के चलिए कि 1.5 साल से 2 साल यानी कि जब तक ले उत्तर प्रदेश के चुनाव 2022 में नहीं हो जाते, नीतीश कुमार जी हर हाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे के प्रयास करी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी नहीं के चाहत, भारतीय जनता पार्टी चाहता कि भंडोल हो जाओ, नीतीश कुमार कुछ ऐसा एक्ट कर देश कि नीतीश कुमार एक्सपोज हो जाए और भारतीय जनता पार्टी के मौका मिल जाओ, क्यों कहे कि अकेली 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपन सीट बढ़ौले बा, भले वोट के आंकड़ा कम भई होके लेकिन सीट बढ़ल बा और सीट बढ़ला से उत्साहित बा भारतीय जनता पार्टी। अब ये सब बात के लेकर के अगर सरकार बने के कोनो स्थिति उत्पन्न होता तो वह यह बात से सोच ली कि सबसे बड़ पार्टी 75 सीट वाला जो तेजस्वी यादव साफ तौर पर कहते रहे, और ये ना ये बात में भी कंफर्मेशन बा कि वाम दल बीजेपी के साथ ना जाए, कांग्रेस बीजेपी के साथ ना जाए, तो एक मतलब सिर्फ 75 सीट मत जोड़ के देखी, जोड़ के 110 वो सीट देखी जो कि महागठबंधन के पूरा मजबूत बा, और ये सोच करके बाकी लोग के जाए दिले तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद, बाकी तो दोनों जना के समेट के रख ले 70 वो सीट कांग्रेस के देना, यह बात के प्रमाण करते रहे कि कहीं ना कहीं यह बात पर पूरी तरह से डिटरमाइन बा आरजेडी कि नीतीश कुमार वाला हाल मत हो जाए। ये चलते बाकी लोग के छटका करके अब रुआ समझी ना कि एनडीए में हमेशा कहिया सरकार गिर जाएगी कोनो ठिकाना नहीं है, रोज असमंजस के स्थिति में पलड़ा कही झुकल नजर आता।
जैसे जीतन राम मांझी के बयान आता है तो सांस चढ़े लागता एनडीए के नेता लोग के। अगर है मुकेश सहनी तनी मनी बात टाइट करता रहे नट होल्ट जहां हिलावट डुलावट पड़े तो एनहू टाइट हो जाता मामला। लेकिन एकरा में भारतीय जनता पार्टी के हर हाल में नीतीश कुमार के साथे रहे के पड़ी, वरना ओकरा कोनो तरीका से या फिर भारतीय जनता पार्टी के आरजेडी के साथ मिल जाए तब सरकार बनत जाता। एकरो में आंकड़ा के बात करी तो 74 सीट वाली भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के बात खूब बढ़िया से जानता रहे कि नीतीश कुमार वो ट्रंप कार्ड वाले जौन छोड़ दे सकर भारतीय जनता पार्टी के तो सरकार गिर जाना बा। थोड़ा सा उनका मन में आ जाए तो सरकार गिर जाए, कभी भी गिर सकेला। कारण कि 74 सीट वाला भारतीय जनता पार्टी के 47 को सीट चाहिए और 47 को विधायक उनका लेकर हुई है तब जाकर उनका सरकार बनी। और 47 को विधायक होने के मतलब बा कि कोई पार्टी के ही पूरा खत्म हो जाना। नीतीश कुमार के पूरा पार्टी भी मिला ली है तो उनका सरकार नहीं खे बनो, ओकरो में उनका जरूरत पड़ जाए 4 सीट के। अब एकरा बात बढ़ी कि अगर 110 सीट वाली के 5 सीट मिल जाता AIM के तो 15 हो जाता। ये पहले भी वालों के समीकरण बतल रही और संभावना ज्यादा बा कि महागठबंधन के सरकार बन जाए। और जब सरकार बने के संभावना ज्यादा बा, अगर थोड़ा सा भी समर्थन नीतीश कुमार कर देता रहे तो महागठबंधन के सरकार बन जाए। और ऐसा स्थिति में जब तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम सरकार बनावे के स्थिति में नहीं, हम चुनाव में गई पसंद करो, तो वह समझ सकता नहीं कि सबके फेफरी पड़ गई बा। यही चलते आज के जो खूटा ठोक बा ओकरा में लोगों के सामने इस समीकरण लेकर आई है कि ढेर भई खेलकड़ी, अब खेला ना हुई, अब कोई लीला ना हुई, अब सीधे किला कबाड़े वाला खेला हुई। यानी कि कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश बा और यह चिंता के कारण बन गई बा, जहां सरकार केंद्र में बाड़े उनकर और जहां बिहार सरकार के। और इस चिंता में सबसे ज्यादा चिंतित कोई बा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बा। अबे सब में एगो बात तो पक्का बा कि रुआ बताई कि जीतन राम मांझी के पास कोई खातिर का बा, जितना उनका मिले के रहे उतना मिल गई बा। अब आगे के डिमांड कर दिले, डिमांड करे के पीछे उनका कारण का बा। और एक साथ हुए को बयान भी दे दिले कि नीतीश कुमार जी गठबंधन धर्म में बड़ी सहेल बहुत हद तक कोशिश करे ले कि कसू गठबंधन चलत रहे। दूसरका तरफ इो बात कह दिले कि तेजस्वी यादव भविष्य बाड़े, उनका बहुत संयम रखे के जरूरत बा। ये सब बात के लेकर के कहीं ना कहीं अगर बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के बढ़ल बा तो निश्चित रूप से बढ़े के चाही, कारण कि एगो राज्य से उनकर सरकार चल जाए। लेकिन नीतीश कुमार के लगे भी ऑप्शन के कमी बा, कारण कि नीतीश कुमार के पार्टी के और नीतीश कुमार के सीधे तौर पर तेजस्वी यादव नो एंट्री के बोर्ड देखा दिले बड़े। अब आवे वाला बिहार के राजनीति में जौन कहीं ना कहीं एक बात तय नजर आवत रहा कि सरकार गिर जाए वगैरह वगैरह वगैरह, ये बात रुआ मान के चली कि कोनो सूरत में चाहे जौन भी तिकड़म लगावे के पड़े, जौन भी प्रयास करे के पड़े, जौन भी स्ट्रेटजी लगावे के पड़े, या फिर जौना साम दाम दंड भेद जौन कि मुकेश सहनी कहियो दिले कि अमित शाह जी बाँधन, एक मतलब बा कि भारतीय जनता पार्टी जब तक ले रिजल्ट ना देख ली पश्चिम बंगाल के और उत्तर प्रदेश के, तब तक ले नीतीश कुमार जी के कसहूँ छोड़ ना सकला, नाथ के रखी। और ई रुआ मान के चली कि जौन 2015 में स्थिति रहे कमोबेश उतना समय तक इस सरकार या हो सकेला 2-4 महीना ज़्यादा तक इस सरकार चले के संभावना अब बढ़ल चल जाता। लेकिन एक बात तो पक्का बा कि सरकार के गिरना तय बा। अगर एकरा में नीतीश कुमार जी थोड़ा सा अगर एग्रेसिव हो गई ले, अगर मन बना ले ले कि ना अब जौन की तैयारी चल रहा बा 2 महीना के बाद रुआ परिणाम भी आ जाए, कारण कि लौकुश समीकरण के गाँथना ओकरा के सहेजना और अलग से जो तैयारी चल रहा बा अलग अलग राजनीतिक घराना गठबंधन के, वो ई बता रहा बा कि हर कोई यह बात के तैयारी में लाग गई बा कि कभी भी चुनाव हो सकेला, बस नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के संबंध पर निर्भर करता। अब मैं जितना भी रुआ लोग संगे बात कही कहीं जितना बात कहीं आज खुटा ठोक में जो बात रुआ लोग के सामने रखनी ओकरा में अब अंतिम बात रुआ से बताया है तनी कि जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार जी अपना पुरनका राह पर चले के तैयारी कर ले बारन लौकुश समीकरण के सहारा तारण ओजे, अब RJD अपना MY समीकरण के साधे में पूरा तैयारी में लाग गई बा। और तीसरा तरफ भारतीय जनता पार्टी यह दोनों के इस समीकरण के जौन शुरुए से अंगुरी कक के या फिर अपन नीति और रणनीति अपना करके अलगे अलगे कैले रहा जौन के परिणाम रुआ देखे के मिलल हुई 2020 में। अब 2015 रिटर्न 2020 में हुई
2005 रिटर्न तो होके के आवासार बजादा बा का 2015 रिटर्न 2020 के बाद 2021 में 22 में कब हुई इंतजार करत रही सब है। कारण कि इतना तो निश्चित बा कि जौनप स्थिति परिस्थिति में नीतीश कुमार जी जवाब देवे खातिर नरेंद्र मोदी के साथ ले ले रहन लालू प्रसाद के ओसा ही लालू प्रसाद के ई बतावे खातिर कि हमरा में ताकत बा और हमार समीकरण हमार सोशल इंजीनियरिंग सबसे बढ़िया बा। उ एक बार फिर से नीतीश कुमार जी गइलन नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब प्रमाणित कर दिले आवे वाला समय बिहार के राजनीति और इतिहास में एक नया अध्याय लिखे खातिर फिर से अपन जमीन तैयार कर रहा बा और जमीन पर केकर मजबूत खूंटा गड़ाई हमनियों के इंतजार करते जा रहुओ करी। फिर कल भेंट हुई यही ठेहा पर जना के नाम है खूंटा ठोक के। तब तक हमरा के दी आज एजे विराम रउआ लोग देखत रहें भारत लाइव और संगे संगे हाँ UPI नंबर दिहल बा ओकरा पर रउआ लोग सहयोग करत रहें सब है। कारण कि साँच के लड़ाई बड़ी मुश्किल बा। धूप अंधेरा होके तो छोट दिया में हमेशा बाती उसका उत रहे के पड़ला और तेल डालत रहे के पड़ला गोर लागत नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रउआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।